मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 देशी कट्टा के साथ 6 हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 हथियार तस्कर मुंगेर और 3 हथियार तस्कर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। मुंगेर पुलिस ने उस समय हथियार तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जब हथियारों का जखीरा लेकर हथियार तस्कर पिकअप वैन से पश्चिम बंगाल निकलने की फिराक में था। दरअसल सूचना के आधार पर मुंगेर पुलिस ने साफियाबाद पुलिस के द्वारा देर रात डकरा नाला पुल के पास सर्च अभियान चलाया, जहां पश्चिम बंगाल वाले नंबर प्लेट के पिकअप वैन पर नजर डालते ही पुलिस ने वैन को घेर लिया। साथ ही उस वैन को रास्ता दिखा रहा 2 बाइक सवार लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस के द्वारा उस वैन की तलाशी ली गई तो उस वैन के अंदर छुपाए 10 देशी पिस्टल को और पैकेट में बंद 1,20,000 रुपए को पुलिस ने बरामद कर लिया। मुर्शिदाबाद और मालदा के लोग हथियार खरीदने के लिए गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष और DIY टीम के द्वारा रेड किया गया डगरा नाला के पुल के समीप। और रेड करने के बाद 10 देशी कट्टा, 1,20,000 रुपये नगद और 6 मोबाइल अलग अलग कंपनी का और एक मोटरसाइकिल और जो एक पिकअप वाहन जो वेस्ट बंगाल का नंबर है वो मिला हुआ है। और एक अन्य आदमी जो इसका सूचना था तो वो फरार हो गया है, तो इसके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। जो इसके संलिप्त है, जो मेन सप्लायर है, तो बाकी हम लोग ये सफलता मिला उसको टीम के लिए हम लोग प्रोसेस कर दिए। तो सुनिए, जो पश्चिम बंगाल से 3 लोग गिरफ्तार हुए, ये लोग ये जो शामपुर के जो गोबड्डा लोग हैं यही उनको लेके आता था और यहाँ हथियार का इमीडिएट काम करता है। ये लोग यहाँ आके हथियार का जो आदमी डिलीवरी होता है उसको लेके जाता था। कितने हथियार थे सर? तो 10 मिला है और अन्य कुछ बरामद करना है। सर, जैसा कि यह है कि बंगाल से लोग मटेरियल, देखिए यहाँ तो लास्ट टाइम भी हम लोग मालदा के कासिम बाजार थाना अंतर्गत जो पकड़े थे वो भी अर्धनिर्मित पिस्टल आता है, तो यहाँ कुछ लोग हैं कि जो इसको फिनिश करके बेचता है, तो उसी लोगों को हम लोग पकड़ते हैं। बट अभी बहुत कम हुआ है, हम लोग नज़र रखे हैं, इसलिए सक्सेस ज़्यादा मिल रहा है। कितने रुपये की बरामद? 1,20,000। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि सभी हथियारों को लेकर पश्चिम बंगाल के मालदा जाने वाले थे और वे पुलिस से बचने के लिए ट्रेन से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से पिकअप वैन से ही सड़क मार्ग से होते हुए मुंगेर पहुंचे थे। पंजाब की केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।